ही लेती। हाँ जी हमारा मेडिकल, चलो ठीक है। आजकल नेहा बदल आ गया है, नेहा को नेहा है ना। अगर जब शुरू करेंगे पैदा हो जाए पॉजिटिव नोट अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। विनर कौन होता है? एक वो इंसान जड़ा कदे भी हार नहीं मानता, जड़ा कदे भी गिव अप नहीं करता। आज सबसे पहले आप कहिए ने लिटरेरी टर्म की कहना, आप लिटरेरी टर्म की केरी टर्म का की मतलब है, ठीक है? अगर पढ़ के दस मेरे को की कहते हैं ये जो बोलते हैं अच्छा जी ठीक है मैं फिर दादाजी वाला क्लास आई है टाइम बताया ना आई हो। अरे बाकी अभी लैंग्वेज एम की कहिए हैं दादाजी क्लास आई है नहीं पहला आई हो अरे भी स्लो आ रही थी एनु किसी ने भी फ्रिज दिए नहीं आप मतलब एनु और कोई नाम नहीं बोले एस एनु कहने आप फ्रिज की बोल दिया फ्रिज उधर नाम की नहीं और मेरे गांव में कबूतर आगे क्लास तो डाल दिया अपना ना उधर नाम फ्रिज नहीं है कहने और वो क्यों है क्या तो बच्चा ठीक है जी चलो सबने पिजिन बोलना है। पिजिन मतलब ट्रेड लैंग्वेज, ट्रेड लैंग्वेज मतलब व्यापार वाली लैंग्वेज, ठीक है? ट्रेड का मतलब क्या बताया ना सबनों कि व्यापार वाली लैंग्वेज। हाँ जी अब पिजिन और पिजिन लैंग्वेज इज अ ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है गल बात करने का, किसी के नाल भी गल बात करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। बिटवीन टू और मोर ग्रुप, दो दो लोग या दो ग्रुप के विचारे, वह दो ग्रुप जिन्हों की कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं है। सपोज करो तुम चाइना तो हो मैं इंडिया से, मैंने तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती तो मेरी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है? हम आप अगर एक दूसरे में गलबात करनी है, व्यापार करना है, व्यापार करने की गलबात तो करनी पड़ेगी ना। मान लो मैं चाइना गई हूँ व्यापार करने वास्ते, ट्रेड करने वास्ते, तो मैंने हम चाइना के लोगों से व्यापार करने की गलबात तो करनी पड़ेगी। उन्होंने लैंग्वेज तो मैंने आती नहीं, ना ही उन्होंने मेरी लैंग्वेज आती है, तो फिर वो की करते उसमें की रहता है कि वो दो ग्रुप मिल के एक टुटी फुटी लैंग्वेज बना दे, यानी कि वो मेरी लैंग्वेज में कुछ वर्ड सीख लेंगे, ठीक है? मैं उन्होंने लैंग्वेज में कुछ वर्ड ले लेंगे ताकि आप अपनी गल दूसरे बंदे को समझा सकते। दो लैंग्वेज मिक्स करके कहेंगे नाम की दिता ट्रेड लैंग्वेज। इना क्लियर है जी?
मिक्सचर ऑफ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, फिजिन की है मिक्सचर ऑफ सिंप्लीफाइड, यानी कि दो सिंपल या लैंग्वेज को अपन मिक्स करके एक छोटी फुटी लैंग्वेज बना दी, दैट इज कॉल्ड फिजिन। और अ सिंप्लीफाइड प्राइमरी लैंग्वेज विद अदर एलिमेंट्स ऑफ अदर लैंग्वेज, विद द एलिमेंट्स ऑफ अदर लैंग्वेज, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में थोड़े से अंश मिला के अगर आप कोई लैंग्वेज बना रहे हैं तो हम आपको की कहोगे एलिमेंट की हो गया अंश, किसे अंश बना रहे हैं, किसे दूसरी लैंग्वेज। यस मैं इंडिया से लेके हिंदी बोल रही हूँ सपोज, ठीक है, चाइना वाले चाइनीज बोल रहे हैं, ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज से अंश मिला के जड़ी टूटी मुट्टी लैंग्वेज बनाई जाएगी, हम आप की कहा के फिजिकल लैंग्वेज, ताकि गलबात करनी सौखी हो सके, आप अपनी गल सामने वाले बंदे को समझा सके और इजीली वो ना व्यापार कर सके। जितने कंफ्यूजन हो गए और फिर रोक के पूछ लिया देख। हाँ जी, तो चाइनीज एक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होगी ना इस वर्ड की, लेकिन आप इंग्लिश बोलना चाइनीज में चेन आप की कहने हैं ऑब्वियसली कल आप व्यापार कर रहे हैं तो फिर व्यापार ना की मीनिंग हो जाएगी, ठीक है ना, आप बिजनेस तो अपन याद रह जाएगा कि ट्रेड है, कुछ बिजनेस है, बिजनेस तो याद रह जाएगा कि ये मतलब मीनिंग की है, चाइनीज प्रोनाउंसिएशन की है वर्ड की, चाइनीज मीनिंग की है। हाँ जी, कहना क्लियर हो गया जी, जरा समझाया जी की सीखा ने अपना, एक मिनट में बिजनेस की हो गए थे दो या दो तो ज्यादा भाषावां नूं मिक्स करके जो आप टूटी फुटी लैंग्वेज बनाने हैं जिदे विच कोई ग्रामर नहीं होंगी, नेटिव लैंग्वेज, और नेटिव लैंग्वेज कैसी बनेगी, ड्रॉल। क्लियर है ना,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली लेट मी नो है ना क्लियर है जितना हम तक आपको दिख रहा है. विजिल से क्रियोल दोनों चीजें क्लियर ने. वेरी गुड कर फिर आगे चल रहे अगर क्लियर है तो. हाँ जी और आगे अपना डिफरेंस विजिल एंड क्रियोल. चलो फटाफट डिफरेंस गिना दो मैंने किसी नाले पास की ली था ना तो लॉर्ड आ रहे पास की ली था दोनों एक बार से बस है. हाँ भाई पास में हमें नहीं होता है हाँ भाई ये नेक्स्ट ये इधर वाली ट्रेड ट्रेड हो गई है अपन उन्हें भी ट्रेड ली यूज़ करते हैं बट उन्हें आपका समहाउ की कहने हैं बार बार यूज कर करके क्रियोल बना देना है. नेक्स्ट जनरेशन के कौन नेटिव लैंग्वेज वाली बन गई ना. हां जी नेक्स्ट डिफरेंस नो ग्रामर नो ग्रामर एंड नो रूल्स इधर ग्रामर हिंदी है ग्रामर एंड रूल्स आर देयर. Next. Unstable student. Very good. ये unstable है कोई इनका सबूत नहीं ते आहा stable language. एक और है क्या एक अनस्ट्रक्चर्ड है ओ स्ट्रक्चर्ड है इनके चापा लिखांगे ए अनस्ट्रक्चर्ड है पिजन इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं तो इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है इन्हें स्ट्रक्चर्ड है दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया. पिजन इज अ ट्रेड लैंग्वेज ठीक है ट्रेड लैंग्वेज इन बार बार यूज करते हो उधर क्रॉल को की बना देने आपा नेटिव लैंग्वेज बन सकती है. वर्ड्स नु बोलने का तरीका वर्ड नु प्रोनाउंस करने का तरीका
बोलना मतलब प्रोनाउंस कर, तो वर्ड को प्रोनाउंस करना तरीका इज कॉल्ड एक्सेंट. अ पर्टिकुलर वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स दैट इज कनेक्टेड विद द कंट्री, किसी कंट्री का भी हो सकता है. लाइक उन्होंने मैं एग्जांपल दी कि ब्रिटिश एक्सेंट अलग है, अमेरिकन एक्सेंट अलग है, इंडियन एक्सेंट अलग है, कोई पर्टिकुलर एरिया ना भी हो सकता है. ठीक है, फिर मैं बोर्ड पूरे तौर कुछ वर्ड होते अति बोले काल कैसे बोले जाएगा फादर का वे फादर, तो एक किसी एरिया ना भी हो सकता है. ठीक है, किसी सोशल क्लास ना भी हो सकता है, या फिर किसी कल्ले बंदे का भी हो सकता है. हर एक बंदे का भी अलग अलग बोलने का तरीका हो सकता है ना. उन्हें आप ऐसे बैठे दो जने बैठे, एक ने बोला एसेंट, एक ने बोला एक्सेंट, एक ने बोला वर्ड, एक ने बोला वर्ड. हर एक बंदे का बोलने का तरीका जो अलग है ना, वो आप की देते हैं एक्सेंट. क्लियर है जी? एक्सेंट टिपिकली डिफर इन द क्वालिटी ऑफ वॉइस, बट वॉइस क्वालिटी की है तो वर्ड्स नु तुसी प्रोनाउंस किदा कर रहे हो, बट प्रोनंसिएशन की कहंदी है, प्रोनंसिएशन ऑफ किंदी वाउल वॉवल्स नी हो. आपा शुरू तो वॉवल्स ही पढ़े हैं ना, आजकल मोस्ट स्कूल में तो वॉवल्स कराते हैं, बट एक्चुअली की हुंदा है वाउल्स एंड वाउल्स बोल रहे हैं. वाउल्स भी कंसोनेंट्स भी, या तुसी किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस देके बोल. ठीक है, वो सारी चीजें किसे जा रही है एक्सेंट. नेक्स्ट अपने को ले टर्म है कि है ट्यूनर डायलेक्ट. ट्यूनर एक्सेंट में हम पढ़िया थी कि हर बंदे का अटल बोलने का तरीका इज कॉल्ड एक्सेंट. डायलेक्ट की है उपभाषा. लगभग उपभाषा बड़ी सारे ने की हुंदी उपभाषा, एक पर्टिकुलर एरिया में लोग एक पर्टिकुलर खेतर दे लो. ठीक है,
या फिर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी दे दो, पर्टिकुलर कम्युनिटी दे आपको, पर्टिकुलर कम्युनिटी कह रहे हैं, एरिया कह रहे हैं, प्रोफेशन कह रहे हैं, इट मीन उस एरिए नु, उस कम्युनिटी नु या उस प्रोफेशन नु बिलोंग करते सारे लोगों की गल हो रही है, किसी एक बंदे की गल नहीं हो रही। क्लियर है जी गल? पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, सोशल ग्रुप या फिर ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ठीक है, उस कम्युनिटी के, उस ऑक्यूपेशन के, उस एरिए के सारे लोगों की गल करते, उन्होंने लैंग्वेज में, सारे लोगों की लैंग्वेज में आप की कहोगे? डायलेक्ट। डायलेक्ट नहीं बोलना, डायलेक्ट। हाँ जी क्लियर है जी, है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटे नाल नाल रिप्लाई कर देना, मैं टाइम लगे ना तो मैं कल्ला नाल गल करी होगी। हाँ क्लियर जी, केड़ा रजिस्टर कॉपी वाला है? फिर साढ़े हाथ से कॉपी वाला रजिस्टर पढ़ा
पढ़ना डंडे नाम करना बच्चे मॉरल डेवलपमेंट जरा मोरल जरा है वो लो हुआ है तो आप आगे मोरल ही चलाते आप बच्चे को ध्यान में चला के पैडागोजी के क्वेश्चन का आंसर दे देखो पैडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की होगी कोई भी तुझे टर्म समझ रहे हो पैडागोजी कर रहे हो फिर कुछ भी करते हुए अगर सिचुएशन आती है उनको अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट कर लो और ये सोचो कि तू भी होते होंगे तो की करते तू भी होते होंगे तो उस सिचुएशन को किस तरह फेस करते मैंने क्वेश्चन कर दिए बहुत आसान है हाँ जी द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड यूज डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट सिचुएशन रोका है बैठे तो सारी गाला भी चल रही है और मैं अंदर कर गई पर टेंपरिंग स्टार्ट हो जाती है और अगर लैंग्वेज बदल जानी ना सिचुएशन चेंज हुई अपना वो को ज्यादा ही पोलाइट हो जाने इतना इतना तक करो मम्मी ने चक्कर खा के भेजी हुई होती थी और मुझे प्यार करते गए होंगे और थैंक यू बहुत सामने people use different word alag alag words talk or write differently to different people in different situation linguistics register ka ye matlab hai ki aap alag alag situation mein alag alag tarike naal apne aap ko present karte ho alag alag word use karte ho alag alag language aap use karte ho to apne samne sada bahut kamina word use ho gaya aur jo samne sir you are the best पक्की तरीके याद
जी बिल्कुल सही है विशाखा मैम, वेरी गुड। जितना हम तक रहे समझ आ रहे हैं? चलो जी फिर तो बहुत बढ़िया रहा। हाँ जी इनको क्या कहते हैं? सिंटेक्स। इनको क्या कहते हैं अपन? सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, कि वर्ड को कितना अरेंज करना है। इन लैंग्वेज सिंटेक्स कम्स फ्रॉम, सिंटेक्स केड़ी लैंग्वेज तो आया? ग्रीक लैंग्वेज। सिंटेक्स केड़ी लैंग्वेज का वर्ड आया? ग्रीक लैंग्वेज। उसी का मतलब की है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, ठीक है। सिंटेक्स केड़ी लैंग्वेज तो आया? ग्रीक लैंग्वेज तो आया, और इसका मतलब की है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल। तालमेल कितना था टीचर स्टूडेंट ना है वर्ड का तालमेल कितना बेटा वर्ड विच। सिंटेक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ एंड सिंटेक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जेडे किन्ने भी हेल्पफुल होंदे की बनाना होंदा उंदे नाल आपां सिंटेक्स। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ सीक्वेंस है। इन सीक्वेंस में जब सेंटेंस बनाओगे तब ये सेंटेंस का कुछ मीनिंग बन जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट का अगे ला दिए वर्ब पीछे ला दिए बन जाएगा सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस बनाने लिए वो सेंटेंस जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो गए सेंटेंस बनाने लिए वर्ड जो है तालमेल होना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। और स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट अपन कितना पता लगता है सिंटेक्स।
And descriptive grammar is a set of rules about the language based on how it is actually used. In a descriptive grammar, there is no right or wrong. And we have a simple example. I'm going to tell you. आप अगर इसमें बात करोगे, तो इसमें बात करोगे. पहले example ही डाल देंगे. पर अगर मैं कहूँ कि हमारे साथ में चार मिनट पढ़ना चाहिए, ये तो हो गया rule. चार मिनट सानू पढ़ना चाहिए. उसी कितने घंटे पढ़ते हो? एक कितने चलेगा? एक कितने चलेगा? Descriptive grammar is a set of rules about language based on how language, how it is actually used. In language actually used only is that. ठीक है? In a descriptive grammar there is no right or wrong. Descriptive grammar में तो कुछ भी सही गलत नहीं होता. रूल तो एक्चुअल से कहता है कि सब्जेक्ट लाओ, वर्ब लाओ, फिर ऑब्जेक्ट लाओ. डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के लिए जिम्मे थोड़ा देर का गाँव में लाओ, कोई सही गलत नहीं पर जिम्मे तुझे यूज कर लियो भी थे. समझ रहे हैं? रूल की कहता है कि हमें पहला सब्जेक्ट लाना है, वर्ब लाना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है. डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के लिए जिम्मे तुझे यूज कर लिया इंग्लिश हो ही गई. आप हर सेंटेंस आप जो इंग्लिश बोलते हैं, अरे आप चंडीगढ़ सीखनी, फिर आप जो चंडीगढ़ सीखती नहीं है वो बोलते हैं, आप आगे रूल बनाए होते हैं, आप बिना सारे रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नहीं चलते ना. तो वो की होती है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की एक्चुअल ए यूज कितना हो रही है, वो की जो चाहता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर. Descriptive grammar can be compared with prescriptive. किन्हें ना compare की जा सकती है? Prescriptive grammar ना, which is a set of rules based on how people think language should be used. Prescriptive इस चीज़ है कि language use कितना होनी चाहिए. यानी कि prescriptive इस फिर की आ गया, rule आ गया. कि आ rule है, इसे according language use होनी चाहिए. लेकिन यूज कितना होती है वो कितने जा जाएगा? मैं कहूँ क्या तो चार घंटे पढ़ना चाहिए है, एक कितने जाऊँगा? क्योंकि कितने घंटे पढ़ रहे हो, एक कितने जाऊँगा? मैं कहूँ क्या कि इंग्लिश बोलनी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ए के अकॉर्डिंग बोलनी है, ए रूल है, ए के अकॉर्डिंग बोलनी, एक कितने जा गया? क्योंकि बोल कितना रहे हो, यूज कितना कर रहे हो, कितने जा गया? क्लियर है दोनों चीजा? थोड़ा सा फर्क क्लियर हो गया. डिस्क्रिप्टिव एच की है कि तुझे इंग्लिश को एक्चुअली लैंग्वेज को एक्चुअल ऐसे यूज कितना कर रहा है. प्रिस्क्रिप्टिव एच की आता है कि तुझे कितना करना तो चाहिए. यानी कि एग्जांपल तो क्लियर होकर समझ हो रहा है, समझ आ रहा है कि अब इंग्लिश यूज ऐसा करनी चाहिए. बट आप यूज कितना कर रहे हैं वो कितने जाएगा? क्लियर हो गया ना? प्रिस्क्रिप्टिव की है. प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल होता है पुराना, पुराने टाइम की तरह पहला वाली. ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ग्रामर दैट टेल्स इतनी दसती है लोगों को हाउ टू यूज द इंग्लिश लैंग्वेज. लोगों की दसती है कि लैंग्वेज आप यूज कितना करनी है, कितना करनी चाहिए, व्हाट फॉर्म दे शुड यूटिलाइज, कि कितना ये रूल जड़े है यूज कर सकती है, कितना इन्हों को यूज करनी चाहिए है, एंड व्हाट फंक्शन दे शुड सर्व, कि उन्हें रूल को केड़े फंक्शन अपन काम आ सकते हैं, मतलब वो चीजा की अपन काम दूती है, केड़ी चीज कितना किवे यूज करनी. प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की दसती है अपन को वो रूल दसती है कि किन्ने नाल किवें तरीके नाल केड़े तरीके नाल केड़े रूल नाल आपा इंग्लिश यूज कर सकदे आ, इंग्लिश बोल सकदे. एक और दसदा आपा नु प्रिस्क्रिप्टिव आपा किवें बोलदे आ ओ कौन दसदा आपा नु? प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर इतनी हमेशा सही होएगी, राइट आएगी, क्योंकि इन्हें जेने आपा नु रूल दसदे है ना, इतनी ये हमेशा सही होएगी. प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कई गलत तो कुछ भी नहीं हुई, तो आप आप ही यूज करते पे ना, आप कि मैं यूज करते पे ना, वो तो कोई सही गलत ये मैं तो भी यूज कर ली होगी, तो वो कितने चाहिए फिर? डिस्क्रिप्टिव.
means prescriptive grammar should be right always. It should be right. It will be right. But when it descriptive grammar only, there is no right or wrong in the descriptive grammar. Clear, Adi? Prescriptive grammar is essential. Essential matlab important. Prescriptive grammar important hai. Kyon important hai? As it helps people to use formal English speech and writing. Kyon important hai prescriptive grammar? Kyunki ye lokan di madad karti hai. Kade vich madad karti hai. Onnu dassan vich ki apa formally English nahi use kivein karde. आपा एक दूसरे ना जिम्मे बच्चे बोलनी चाहिए लेकिन आपा अगर इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप लोग सही इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ना तो वो अपन सही इंग्लिश किवे बोलनी है कौन दसा आप लोग दूसरी जो अकॉर्डिंग किवे बोलना अपन कौन दसा है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है ताकि क्योंकि वो लोगों ने दस दिया है कि फॉर्मल इंग्लिश में स्पीच में क्या ये बोलने में से लिखने में आप किवे यूज कर एक कौन दसा आप लोग prescriptive grammar that why prescriptive grammar is very important for us clear idea na thank you pure idea to dono cheeza clear ho gaya jinhi hum tak term try hai sari clear ho gaya online students kindly message jinhi hum tak term karwaya sari clear hai koi doubt hai to puch lo नो मैम वाला आता ना कि कोई डाउट नहीं है मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है जी कि उसको डाउट है सारा डाउट बहुत कोई ना था कोई भी डाउट होना होता है इंस्टा भी सिमेंटिक ना दिए चल मुझे दस देने से चल शुक्र है कि तेरे को अच्छा लगता है मतलब मेरे को सच्ची ऐसा भी फीलिंग आ रही है मेरे उसको डाउट है मैं तो कोई भी नहीं है या तो उसको डाउट है या फिर वो जा रही समझ आ गया क्रिएटिविटी ना हो और पता लगे कि अगला लेक्चर मेरी जगह तो तू ही करने खड़े हो गए थे ठीक है सिमेंटिक्स अंदर है स्टडी ऑफ मीनिंग सिमेंटिक्स का भी स्टडी है मीनिंग भी स्टडी है सिमेंटिक्स जितना पर सिंटैक्स पढ़ा थी सिंटैक्स आपने को अपन की दस है या वो वर्ड स्ट्रक्चर की बंदा अपना ठीक है वो स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस बनाया उन्होंने तो सेंटेंस का मीनिंग की है ये अपन कौन दस है सिमेंटिक्स क्लियर है जी जब स्ट्रक्चर की गल करिए तो स्ट्रक्चर आएगा अपना सिंटैक्स विच और स्ट्रक्चर तो अपन ने सेंटेंस बनाया और सेंटेंस का और या उस सेंटेंस के जो वर्ड लगे ने उनका का मीनिंग की है वो किन में आया अपने बोले सिंटैक्स क्लियर है जी हां जोड़े हैं दोस्तों इंग्लिश की नुकसान आज ऑफ किया जी किन-किन को ये फीलिंग आएगी इंग्लिश बहुत ज्यादा होती है किन-किन को उसको लगती है स्टार्ट कर दे ओह उसकी शक्ल से नहीं कुछ लिखा बंद कर मेरे पता तुम कोलगेट का ब्रश कर के आंदा से मान ली मैंने गल हम मेरे क्वेश्चन का भी आंसर करो किन-किन को उसको लगती है स्टार्ट कर दे किन-किन को उसको लगती है ये क्या खत्म कर दिया God bless you all. Keep smiling. Have a good day.